नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल बोले, सोलन के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में तैयार किया जा रहा 200 बिस्तरों वाला मेकशिफ्ट अस्पताल, अभी यहां आईसीयू 20 बिस्तर की मिलेगी सुविधा, केंद्र में 50 बिस्तर स्थापित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का कोविड पॉजिटिव रोगियों से आग्रह, सकारात्मक सोच के साथ चिकित्सीय परामर्श का पालन करते हुए हराएं कोरोना को। पांवटा साहिब के जेसी जुनेजा अस्पताल में उपचार के साथ मरीजों का तनाव दूर करने की नई पहल, अस्पताल में पीपीई किट पहने नर्सों के डांस का वीडियो वायरल, वीडियो में महिला मरीज भी बेड पर कर रही डांस। केंद्र सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने मंडी और जवाली में सजाए रक्तदान शिविर, मंडी में बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी, जवाली में विधायक अर्जुन सिंह ने किया शिविर का शुभारंभ। कोविड के कारण अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को बताया प्रधानमंत्री का एक कल्याणकारी निर्णय, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीजनल अस्पताल ऊना में सजाया रक्तदान शिविर, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए सौंपी इम्यूनिटी बूस्टर किट। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजयुमो किन्नौर के रक्तदान शिविर में पहुंचे कई कार्यकर्ता, प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने 33वीं बार किया रक्तदान। भाजपा के केंद्र में 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कांगड़ा चंबा की सांसद किशन कपूर ने जिला प्रशासन कांगड़ा को सौंपे 1000 ऑक्सीमीटर कंसेंट्रेटर सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरण, केंद्र की उपलब्धियों का किया गुणगान। जिला व्यापार मंडल चंबा ने व्यापारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर टीकाकरण में प्राथमिकता देने की उठाई मांग, दुकानें बंद रहने से छोटे दुकानदारों को हुए नुकसान के एवज में आर्थिक मदद को भी लगाई गुहार। खनन माफिया के आगे फिर लाचार दिखे सक्षम विभाग, रविवार को स्वा नदी की रेत लेकर पंजाब जा रहे 7 टिप्पर माइनिंग चेक पोस्ट आशा देवी से कुछ दूर सड़क किनारे खड़े होकर करने लगे रात का इंतजार, नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। स्वारघाट के गांव के आरिया में खेतों में काम कर रहे 9 लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट लाए परिजन, पीएचसी बंद होने पर मजबूरन प्राइवेट क्लिनिक में करवाना पड़ा इलाज। जिला कांगड़ा के जवाली की 13 वर्षीय बच्ची ने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हराया कोरोना, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार और अपनी हिम्मत से किया बीमारी का मुकाबला। उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत साह में तेंदुए ने मार डाली 20 भेड़ बकरियां, पंचायत जनप्रतिनिधियों संघ पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे को लगाई गुहार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी की कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेंगे 2,00,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग जोशी बोले, जीवन ज्योति बीमा योजना बन रही वरदान। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट हिमाचली सपूत अवधेश कटोच ने हासिल किया स्वार्ड ऑफ ऑनर, जिला कांगड़ा के पालमपुर निवासी युवक ने भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट पाई तैनाती। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को सताने लगा रोजी रोटी का डर, जिला कांगड़ा में गोपालपुर चिड़ियाघर के बंद होने से भी जू प्रशासन की बढ़ी दिक्कतें। तूफान के कारण नगरोटा सूर्या में 15 घंटे तक बंद रही बिजली, पूरी रात गर्मी के कारण परेशान हुए लोग, बिजली ना होने से सुबह लोगों को नहीं मिल पाया पीने के लिए पानी। कोरोना कर्फ्यू और वीकेंड बंद के चलते पंचमुखी व आसपास के बाजार बंद, सड़कों पर दिखे इक्का दुक्का लोग, जरूरी सामान की कुछ दुकानें खुली होने के बाद भी नहीं दिखे ग्राहक। अभी के लिए बस इतना ही, इसी के साथ देखना ना भूले शिमला से विशेष प्रसारण ठीक 6 बजे। धन्यवाद।